के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर वन बूथ 10 यूथ के नारे से कार्यकर्ताओं में भरा जोश। वाराणसी के बच्छाव स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के प्रांगण में अपना दल के कार्यकर्ता सम्मेलन का बीते रविवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल रही। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर माल्यार्पण से किया गया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने चांदी के मुकुट एवं तलवार भेंट की। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने वन बूथ 10 यूथ के नारे से कार्यकर्ताओं में जोश भरा एवं कहा कि बूथ फतह से पंचायत चुनाव फतह करेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पार्टी की मूल ताकत कार्यकर्ता है, साथ ही कार्यकर्ताओं से बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रेखा वर्मा, विधायक नील रतन पटेल नीलू, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल, डॉक्टर उमेश पटेल, उदय पटेल, धीरेन्द्र सिंह, सोनू पटेल, अनिता पटेल, मीडिया प्रभारी चंद्रमोहन पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन बाकी ठीक है, चुनावी मौसम में बहुत सारे नए नए नेता आते हैं, नए नए एजेंडा के साथ आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि कौन सा राजनीतिक दल है, कौन वो नेता है, कौन वो कार्यकर्ता है जो लगातार 5 वर्ष तक उनके बीच में बने रहते हैं। चुनावी मौसम में लोकतंत्र है हमारे देश में, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन मतदाता बहुत जागरूक है और जो लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनको ही मौका मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से 5 साल जनता के बीच में रहने का कार्य किया है, उससे पूरे तरीके से जनता हमारे साथ। पीएम मोदी और अखिलेश यादव जो है मंदिर जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? तो उसमें कौन सी बुराई है? पहले नहीं जाते थे, अब जो चुनाव आ रहा है, चुनाव के टाइम में क्यों नहीं? 5 साल चुनाव के समय बहुत कुछ देखने को मिलता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है। देखिए, हर राजनीतिक दल, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पहले सरकार रह चुकी है और चुनाव के वक्त में हर राजनीतिक दल को जनता के बीच में आने का, दावे करने का अधिकार होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 5 साल तक किसने कितना काम किया है, इसका आकलन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक राज्य है। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।